पहला ओडीआई में जहां पे सबका कैप्टन थी नटाली सीबीए ब्रंट और अमेलिया कर कैप्टन विजी थी, यही दोनों कैप्टन विजी थी। हमारी कैप्टन विजी कौन थी? एक्लिस्टन सीडिन। क्यों थी? जब आप मैच का रिजल्ट देखोगे तो आपको मालूम चल जाएगा। और इस मैच में हम कौन कौन सा डिफरेंशियल कॉल लेने वाले हैं वो आपको वीडियो देखने के बाद मालूम चल जाएगा। बड़ा मैच होगा, ध्यान रखिएगा। टॉस के बाद ये मैच जो है ना और इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, कौन सी टीम बैटिंग कर रही है, कौन सी टीम बॉलिंग कर रही है, उसको देखने के बाद। पर्सनली मैं इस मैच में इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा बढ़ाने वाला हूं। नमस्कार, मैं राजा कुमार, स्वागत करता हूं आपके अपने भाई के यूट्यूब चैनल प्रेडिक्शन राजा में। दोस्तों, यहां पे हम बात करने वाले हैं इंग्लैंड ओमैन वर्सेस न्यूजीलैंड ओमैन के बीच जो दूसरा ओडीआई का मुकाबला खेला जाएगा, उसमें हमारी फैंटेसी की टीम क्या होंगी। ध्यान रखिएगा, ये जो मुकाबला खेला जाएगा वो काउंटी ग्राउंड न्यू रोड वर्सेस एस्टर में खेला जाएगा और ये बैटिंग फ्रेंडली विकेट होती है, तो उसको ध्यान रखते हुए आपको अपनी फैंटेसी की टीम तैयार करनी है। लास्ट मैच में पीआर फैमिली ने मिनी जीएल में एक रैंक दी थी और हमारे से जो सेकंड पोजीशन पे वो तकरीबन आप मान सकते हो 22-23 पॉइंट से पीछे थे। रीजन, कैप्टन थी हमारी एक्लिस्टन, वीसीटी सीडीएन, दोनों ने वन साइडेड क्लीनशिप करवाया था। अगर मैं आपको अपना स्क्रीनशॉट यहां पे दिखाऊं, लीग 11 पे मैंने तकरीबन इन्वेस्टमेंट किए थे 3,13,331 रुपया, मैंने विन किए थे 8,09,750 रुपये, प्रॉफिट कमाए थे 4,96,419 रुपये का। अगर हम बात कर लें 1290 वाले कंटेस्ट में आपके भाई ने एक रैंक दिया हुआ था। 11 चैलेंजर्स के ऊपर भी वन साइडेड क्लीनशिप थी और मुझे लगता है इस मैच में भी हम लोग अच्छा प्रॉफिट कमाने वाले हैं। हमारे आसपास भी अपोनेंट नहीं भटकेंगे, ऐसा मुझे फील हो रहा है। तो पिछले मैच के रिजल्ट के अनुसार आपको अभी के अभी एक लाइक कर देने वीडियो में, और पिछले मैच में आप लोगों ने 1200 लाइक किए थे। मैंने कहा था 1100 टप गया भैया क्लीनशिप कर जाओगे, इस मैच में कह रहा हूं अगर आपने 1500 प्लस लाइक कर दी आप अभी से क्लीनशिप समझ लेना। बाकी टॉस के बाद, प्लेइंग 11 आने के बाद, एग्जैक्ट पिच रिपोर्ट आने के बाद मेरी टीम में अगर कुछ फेरबदल होती है उसका अपडेट मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना है, चले जाना इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में, वहां पे जाने के बाद सबसे टॉप कमेंट में आपको देखने को मिलेगा मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक, उसके ऊपर क्लिक करके सभी भाई को टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन कर लेनी है। और मेरे दोस्त, अगर आप लोगों में से अभी भी कोई भाई ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात की देरी है, अभी कभी टाइम निकालिए और सबसे पहले YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए। वेन्यू को लेकर बात करेंगे, ये वेन्यू होगा वर्सेस्टर का, जो कि एक बैटिंग फ्रेंडली विकेट होता है, लेकिन इंग्लैंड पहले बल्लेबाजी करे तो आप 250 के आसपास का टारगेट उम्मीद कर सकते हो मिनिमम टू मिनिमम, लेकिन वही अगर न्यूजीलैंड करती है तो फिर मुझे लगता है 175 से लेकर 215 के बीच में रहेंगी, औसत स्कोर आपको 230 देखने को मिलेगा। हाईएस्ट टोटल 378 और लोएस्ट टोटल 87 है। वेन्यू ओमेंस ओडीआई स्टैट्स को लेकर बात करेंगे, टोटल मैच खेला गया 7, बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीती है 5, बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती सिर्फ 2 मुकाबला। अगर हम ओमेंस ओडीआई स्कोरिंग पैटर्न को लेकर बात करेंगे, बिलो स्कोर 200 बने 4 टाइम्स, बिटवीन 200 टू 249 बने 3 टाइम्स, बिटवीन 250 टू 299 बने 3 टाइम्स, 0 टाइम्स और अबव 300 बने 1 टाइम्स। अगर हम बात करेंगे रिसेंट मुकाबला जिस वेन्यू के ऊपर खेला गया है उसमें कैसे क्या स्टार्ट्स हैं, तो ध्यान रखिएगा सबसे लास्ट मुकाबला खेला गया था 2021 को, जहां पे इंग्लैंड ओमेन ओडीआई की बात कर रहा हूं, ये डोमेस्टिक या टी20 की मैं बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अभी रिसेंटली टी20 ब्लास्ट के मुकाबले हुए थे, बट उसको आप इससे कोरिलेट नहीं कर सकते हो। 19 सितंबर 2021 को इंग्लैंड ओमेन पहले बल्लेबाजी करते हुए 43.3 ओवर में लगाई थी 197 10 विकेट नुकसान पे, जवाब में न्यूजीलैंड ओमेन लगाती है 169 10 विकेट नुकसान पे 39 ओवर में। फर्स्ट इनिंग पेसर 6 स्पिनर 3, सेकंड इनिंग पेसर 5 स्पिनर 5 विकेट। उससे पहले जाओगे तो 3 जुलाई 2021 को इंग्लैंड ओमेन पहले बल्लेबाजी करते हुए लगाती है 47 ओवर में 219 रन 10 विकेट नुकसान में, जवाब में इंडिया ओमेन लगाती है 46.3 ओवर में 220 रन 6 विकेट नुकसान पे। फर्स्ट इनिंग पेसर 2 स्पिनर 6, सेकंड इनिंग पेसर 2 स्पिनर 4 विकेट। अगर हम बात करेंगे पेस वर्सेज स्पिन लास्ट के 2 ओमेन्स ओडीआई मैच में, तो पेसर्स को मिले 15 विकेट, स्पिनर के खाते में गए 18 विकेट, पेसर से ज्यादा स्पिनर को विकेट मिला है, मतलब इस मैच में हमारी फिर से सीडिन एक्लिस्टन काम कर सकती है। हेड टू हेड को लेकर बात करेंगे, दोनों टीम आमने सामने आई है 6 दफा, 5 बार जीती है इंग्लैंड की टीम और यहाँ पे 1 बार जीती है न्यूजीलैंड ओमेन की टीम। अगर हम बात करें इंग्लैंड ओमेन की लास्ट 5 मैच विन विन नो रिजल्ट विन लॉस, वहीं न्यूजीलैंड ओमेन का लॉस विन लॉस 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 करके आ रही है। लास्ट मैच के ऊपर एक बार हम ध्यान से देखते हैं कि आखिर लास्ट मैच में क्या हुआ था, वही हुआ था जो पीआर फैमिली चाहती, एक बात को ध्यान रखिएगा। नटाली सीबीए ब्रंट लास्ट मैच में 5 ओवर गेंदबाजी की थी,
इनको लेके यही न्यूज है कि साफ तौर पे हैदर नाइट ने कहा है कि नताली सिबिया बंद को हम फुल स्पेल नहीं डलवाने वाले हैं। रीजन, इनका कुछ इंजरी कंसर्न चल रहा है। जब एल बेल अच्छी खासी मार खाली तो इनको एज ए सिक्स बॉलर किसी को इंट्रोड्यूस करवाना था, तब जाके नेट सिबिया बंद आती है, विकेट लेके चली जाती है तो इनका स्पेल बढ़ जाता है। यहाँ पे पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड की टीम 156 पे सिमट जाती है। सोजी वेट 16, प्लीमर 29, एमिलिया कर 10, सॉफी डिवेन 13, मैटी ग्रीन 2, हैलीडे 51, आई गेस 12। मैंने आपको इस मैच में कहा भी था कि हैलीडे को आप एज ए डिफेंसर पिक ट्राई कर सकते हो। हन्ना रावे 0, जेस्कर 10। गेंदबाजी में बात कर लेंगे, पॉइंट फोल 3 में 27 रन 0 विकेट, जेस्कर 5 में 26 रन 0 विकेट, हन्ना रावे 2 में 15 रन 0 विकेट, सॉफी डिवेन 2 में 18, एमिलिया कर 2 में 21 रन 0 विकेट, फ्रांस जोन्स 4 में 33 रन 0 विकेट, ब्रूक हैलीडे 3 ओवर 2 गेंद 17 रन 1 विकेट। कभी कभी सूजी वेट्स भी गेंदबाजी कर सकती है। अगर हम बात कर लेंगे सामने इंग्लैंड ओमेन की टेमी बियॉन 76, बूचर 67, इनको इसमें 2 जीवनदान मिला था और हैदर नेट की थी 9 रन। गेंदबाजी बात करें इंग्लैंड ओमेन का तो एल बेल 3 में 28 रन 0 विकेट, फाइलर 5 में 1 मैडन 18 रन 1 विकेट, नेट सीबी ब्रंट 5 ओवर 1 मैडन 19 रन 1 विकेट, एक्लिस्टन 7 ओवर 1 मैडन 28 रन 2 विकेट, सीडीन 9 ओवर 1 मैडन 38 रन 4 विकेट, सारा ग्लेन 4 ओवर 3 गेंद 20 रन 1 विकेट। अगर हम बात कर ले गेंदबाजी समीकरण तो एक्लिस्टन, सीडीन, सारा ग्लेन 10-10 ओवर डालेंगी, 30 ओवर कंफर्म है, एल बेल, एल फाइलर 15 ओवर डालेंगी, 45 और 5 ओवर मैक्स टू मैक्स नटाली सीबी ब्रंट डाल सकती हैं। अगर हम इधर से ओवर ब्रेक करेंगे, अमिलिया कर, फ्रांस जोन्स, उसके बाद जेस्कर 30 ओवर कंफर्म है, ये तीनों डालेंगी, उसके अलावा हन्ना रावे 7-8 ओवर, देन आफ्टर पेंट फोल्ड 7-8 ओवर, उसके अलावा ब्रूक हैलीडे 1-2 और सॉफी डिवेन 1-5 ओवर के बीच में जरूरत पड़ी तो। अब आइए हम बात कर लेते हैं यहाँ पे पॉसिबल प्लेइंग 11 विथ बैटिंग ऑर्डर न्यूजीलैंड ओमेन का, तो वो आपके सामने है जहां पे आपको ओपन करते दिखेंगे सूजी वेट्स के साथ प्लीमर, फिर अमिलिया कर, सॉफी डिवेन, मैडी ग्रीन, देन आफ्टर ब्रूक हैलीडे आई गेस विकेट कीपिंग आई गेस करेंगी, हन्ना रावे, जेस्कर, मॉली पेनफोल्ड और फ्रांस जोन्स। प्रैक्टिस मैच में 3 विकेट लेके आ रही हैं। गेंदबाजी में फ्रांस जोन्स 10 ओवर डालेंगी, रिपीट कर दूं, पेनफोल्ड 7-8, जेस्कर 10 ओवर डाल सकती हैं, हन्ना रॉबे 7-8, अमिलिया कर 10 ओवर डाल सकती हैं। और अगर यहाँ पे इंग्लैंड ओमेन पहले बल्लेबाजी करती है तो कैप्टन वीसी की सेफ पिक हो जाएंगी। सॉफी डिवेन 1-5 ओवर के बीच में, या फिर आप कह सकते हो 3-5 ओवर के बीच में, जरूरत पड़ने पर ब्रूक हैलीडे भी 1-2 ओवर डाल सकती है। अब आइए हम प्लेयर स्टैट्स को लेकर बात कर लेते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, सूजी वेट्स भी थोड़ा बहुत गेंदबाजी कर सकती हैं अगर ये टीम पहले गेंदबाजी करती है तो। सूजी वेट्स जब भी गेंदबाजी करेंगी नीचे आके गेंदबाजी करती हैं, वहां पे इनको विकेट भी मिल जाता है। हेड टू हेड 39 मैच में 944 रन, 34 का एवरेज, 22 विकेट है, वेन्यू पे 1 मैच में 28 रन, रिसेंटली 16-6 रन 1 विकेट, 28 रन 2 विकेट, 50-11। जी प्लीमर हेड टू हेड 4 मैच 57 रन, रिसेंटली 29-4-7-17-12। अमिलिया कर हेड टू हेड 15 मैच में बेहतरीन 16 विकेट हैं, 215 रन है, रिसेंटली 10 रन 0 विकेट, 31 रन 2 विकेट, 14 रन 1 विकेट, 24 रन 2 विकेट और 5 रन 3 विकेट। उसके बाद आपको दिख जाएंगे टीम की कप्तान सॉफी डिवेन, बेहतरीन प्लेयर पहले गेंदबाजी में, कैप्टन वीसी का भी आप रिस्क लेके चल सकते हो अगर न्यूजीलैंड पहले गेंदबाजी करती है तो। वहां पे हेड टू हेड में देखिएगा इनका स्टेट्स, 35 मैच में 763 रन, 26 का एवरेज, 26 विकेट, वेन्यू पे 1 मैच 28 रन 2 विकेट, रिसेंटली 13 रन 0 विकेट, 100 रन 0 विकेट, 60 रन 2 विकेट, 17 रन 2 विकेट। मैटी ग्रीन हेड टू हेड 15 मैच में 306 रन, 21 का एवरेज है, वेन्यू पे 1 मैच में 9 रन, रिसेंटली 2-38 पे नवाद 9-7-10। ब्रूक हैलीडे हेड टू हेड 13 मैच में शानदार 335 रन, 4 विकेट, वेन्यू पे 1 मैच में 29 रन, रिसेंटली 51 रन 1 विकेट, डू नॉट बैट 57-6-33। फिर आपको दिख जाएंगी आई गेस, बेहतरीन प्लेयर है, बैक कर सकते हो अगर यहाँ पे न्यूजीलैंड की पहले बल्लेबाजी आती है तो ऐसे डिफेंसल पिक आप इनको लेके चल सकते हो। हेड टू हेड 4 में 77 रिसेंटली 12, डू नॉट बैट 47-18-51 पे नवाद। हन्ना रावे हेड टू हेड 13 मैच में 127 रन, 14 बेहतरीन विकेट, वेन्यू पे 1 मैच में 3 विकेट, रिसेंटली 0 विकेट, 3 विकेट, 16 रन 1 विकेट, 16 रन 0 विकेट, 6 रन 0 विकेट। जेस्कर हेड टू हेड शानदार स्टैट्स है, 10 मैच में 15 विकेट, 74 रन, उसके अलावा वेन्यू पे 1 मैच में 0 विकेट, रिसेंटली 10 रन 0 विकेट, 3 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट और 0 विकेट। इनके नीचे आओगे आपको दिख जाएंगे यहाँ पे मॉली पेनफोल्ड, हेड टू हेड 3 मैच में 2 विकेट, रिसेंटली 0 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट। फ्रांस जोन्स हेड टू हेड 6 मैच में मात्र 2 विकेट, रिसेंटली 0 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट। अगर हम बात करें स्टार्टिंग ओवर्स को लेकर, आपको दिख जाएंगे हन्ना रावे, फिर दिखेंगे जेस्कर, मॉली पेनफोल्ड, डेथ में हन्ना रावे, जेस्कर और एमिलिया कर। अगर हम बात करें बेंच पे, आपको दिखेंगे एल डॉन, एडन कार्सन और एम ग्रेग, कोई खेलती है
आपके सामने स्टेट्स होगा, उसके अनुकूल आप चाहो तो बैक करके चल सकते हो। अब आइए हम बात करते हैं इंग्लैंड ओमैन की पॉसिबल प्लेइंग 11 विथ बैटिंग ऑर्डर क्या हो सकता है। ओपनर दिखेंगे एम बूचर के साथ टैमी ब्यूमॉन्ट, वन डॉप दिख जाएंगे आपको यहाँ पे हैदर नेट, उसके अलावा नेट सीबी ब्रंट, डेनियल वेट, एमी जोन्स, डीडीन, एक्लिस्टन, एल बेल, सारा ग्लेन और एल फाइलर। गेंदबाजी में बात कर लेंगे, एल फाइलर मुझे लगता है 7 से लेकर 10 ओवर के बीच में, सारा ग्लेन 10 ओवर, एल बेल 10 ओवर डाल सकते हैं, पहले मैच को भूल जाओ, एक्लिस्टन 10 ओवर और यहाँ पे सीडिन 10 ओवर। अब देखिए इनका जो है 1 से लेकर 3 ओवर कट सकता है, फिर यहाँ पे एल वेल का 1 से लेकर 3 ओवर कट सकता है, वो 5 से 6 ओवर नटाली सीवियर ब्रंट में ऐड हो सकता है, जोत पड़ी तो लिप्टी के सामने हैदर नेट भी एक आध ओवर डाल सकती है। प्लेयर स्टैट्स को लेकर बात कर लेंगे, टैमी ब्यूमॉन्ट भैया ओडीआई के सॉलिड प्लेयर हैं, इनसे बेहतरीन मैंने ओमेंस में ओडीआई के प्लेयर बेहद ही कम देखे। अब देखिए टैमी ब्यूमॉन्ट की अगर हम बात कर लेंगे, हेड टू हेड में 20 मुकाबला खेली, 858 रन 53 का एवरेज है, वेन्यू पे 5 मैच, 183 रन 37 का एवरेज है। अब 37 का एवरेज इनका ना सुनने में कम लगता है, बाकियों का अगर 37 का एवरेज हम बोलते भैया क्या एवरेज है, लेकिन इनकी जो मादा है ना ये कम से कम 45 की है, रिसेंटली 76 4 39 1 0। एम बुचर हेड टू हेड 4 मैच में 137 रन 34 का एवरेज, रिसेंटली 67 2 93 14 0। हेदर नेट हेड टू हेड 33 मैच में 859 रन 31 का एवरेज, 12 विकेट, वेन्यू पे 6 मैच, 146 रन 24 का एवरेज, 3 विकेट, रिसेंटली 9 पे नवाज 66 69 20 और 12। अब बात आता है नटाली सीबीए ब्रंट का, जितना तारीफ करे उतना कम, पहले बल्लेबाजी कैप्टनसी की तगड़ी मटेरियल, क्यों, क्योंकि 5 से लेकर 7 ओवर डाल सकती है। इनका स्टेट्स देखिएगा, हेड टू हेड 21 मैच 580 रन 34 का एवरेज और 18 विकेट, वेन्यू पे 6 मैच में 183 रन 30 का एवरेज, 5 विकेट, रिसेंटली 1 विकेट, 124 रन 2 विकेट, डू नॉट बैट 31-8। यहाँ ध्यान रखिएगा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, कंप्लीट ओवर 10 ओवर का स्कोर इनसे उम्मीद नहीं कीजिएगा। डेनियल वेट हेड टू हेड 20 मैच में 298 रन 19 का एवरेज, बैटिंग फर्स्ट में 2 लगा सकते हो, वेन्यू पे 4 मैच में 85 रन, रिसेंटली डू नॉट बैट 34-1-7-28। एमी जोन्स हेड टू हेड 18 मैच में 541 रन 42 का एवरेज, बैटिंग फर्स्ट में मस्ट पिक हो जाएंगे और बैटिंग फर्स्ट के केस में मिनी जीएल जीएल में सीवीसी भी ट्राई करके इनको चल सकते हो, वेन्यू पे 5 मैच 55 रन, रिसेंटली डू नॉट बैट 36 26 67 और 39। सेकेंडली बैटिंग में क्या होगा, इनकी बैटिंग ऑलमोस्ट श्योर है कि मैं मानता हूं कि नहीं आएगा, तो वहां पे आपको एमी जोन्स की विकेट कीपिंग वर्सेज मैटी ग्रीन की बैटिंग सोचना है। अगर आपको लगता है कि एमी जोन्स विकेट कीपिंग से अधिक पॉइंट देंगी तो इनको लेना, अगर आपको लगे कि मैटी ग्रीन आपको बल्ले से अधिक पॉइंट दे सकती हैं तो आप उनको लेके चल सकती हो। अब आइए हम बात कर लेते हैं वो त्रिमूर्ति जिसको आपको मिनी जीएल जीएल एसएल तीनों जगह पे आपस में कैप्टन विसी रोटेट करनी है। पहला नाम आएगा सीडिन, बेहतरीन प्लेयर, हमारी क्रश, और पिछले मैच में इन्होंने प्रूव कर दिया, क्योंकि मैं इनको हमेशा विसी कैप्टन क्यों रखता हूँ, क्यों, क्योंकि लास्ट मैच में अगर आपने इनका स्पेल देखा होगा मालूम चल गया होगा। यही नहीं, पहली बल्लेबाजी में आप इनसे 50 बल्ले से भी उम्मीद कर सकते हो, मतलब 35 से लेकर 50 के बीच में, बेहतरीन बल्लेबाजी में हेड टू हेड 10 मैच में 100 रन 20 विकेट, वेन्यू पे ध्यान देना, मतलब हेड टू हेड भी डबल, वेन्यू पे भी 1 मैच में 8 रन 4 विकेट, कोई राजा भाई तुक्का नहीं लगाता है। मैं कभी कभी देखता हूँ मेरे कैप्टन विसी अगर नहीं चलते हैं तो आप लोगों में से कुछ भाई बोल देते हैं राजा भाई तुक्का नहीं लगा आपका। अब ये बताओ जो वीडियो देखोगे उनको तो मालूम होगा ना कि क्यों सीडीन मेरे कैप्टन विसी होंगे इस मैच में भी, हेड टू हेड 10 मैच 100 रन 20 विकेट, वेन्यू पे 1 मैच 8 रन 4 विकेट, रिसेंटली देख लो 4 विकेट, 43 रन 1 विकेट, 10 रन 3 विकेट, 9 रन 1 विकेट, 64 रन 0 विकेट। एक्लिस्टन को लेके बात कर लें, हेड टू हेड 16 मैच है 22 विकेट, वेन्यू पे 4 मैच 36 रन 3 विकेट, रिसेंटली 2 विकेट 1 विकेट, 23 रन 3 विकेट, 4 रन 2 विकेट, 20 रन 0 विकेट। अब देखिए इस मैच में मेरा क्या हो सकता है, एक्लिस्टन कैप्टन अभी मैंने दिए, विसी मैंने दिए सीडिन को, लेकिन 90% चांसेस हैं कि मैं कैप्टन विसी इस मैच में बदल दूंगा, मैं रिस्क लूंगा, जो होगा देखा जाएगा। सारा ग्लेन हेड टू हेड 4 मैच में 4 विकेट, वेन्यू पे 1 मैच 6 रन 1 विकेट, रिसेंटली 1 विकेट 1 विकेट, 21 रन 3 विकेट, 1 विकेट 3 विकेट। ध्यान रखिएगा ये भी आपके कैप्टन विसी की तगड़ी मटेरियल हो सकती है, क्यों, क्योंकि इनका ओवर स्टार्ट ही होता है 20 के आसपास और वो जाएगा 40-42 तक। वहां पे क्या होगा, अगर सामने वाली टीम की 4 विकेट गिर जाती है तो नीचे वाले विकेट ये आराम से लेके गुच्छे में जाएंगी। एल बेल को लेके बात करें, यहाँ पे एल फाइलर को लेके हेड टू हेड 2 मैच में 1 विकेट, रिसेंटली 1 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 3 विकेट 1 विकेट, प्रेस से मात दें, मतलब पेस से मात देंगी और यहाँ पे प्लीमर का विकेट लेके जाएंगी। एल बेल को लेके बात करें, हेड टू हेड 3 मैच में 4 विकेट, रिसेंटली 0 विकेट 1 विकेट, 0 विकेट 2 विकेट 1 विकेट।
अगर हम बात करें स्टार्टिंग ओवर्स को लेकर, आपको दिख जाएंगी नटाली सीबी और ब्रंट अगर बॉलिंग डालती हैं तो। एल वेल, एल यहाँ पे फाइलर स्टार्टिंग करेंगी, फाइलर वेल लगभग 8 ओवर साथ में डालेंगी, फिर आएंगी नटाली सीबी और ब्रंट, ये 3-4 ओवर वहाँ पर डाल सकती है। डच में फाइलर बेल सोफिया क्लिस्टन और अगर नेट सीबी और ब्रंट गेंदबाजी फिट होती है तो वो भी डाल सकती है। बेंच पे बात करेंगे, पिछले मैच में कैटेक्रॉस इंजरी थी, इनको अगर फिट होती हैं तो खेल सकती हैं, चांसेस कम है लेकिन खेली तो हेड टू हेड ध्यान रखना। 13 मैच में 24 विकेट वेन्यू पे, 4 मैच में 6 विकेट, रिसेंटली 11 रन 2 विकेट 1 विकेट, 17 रन 2 विकेट 0 विकेट 1 विकेट। बाकी सोफिया डंकले और कैप्सी के खेलने के चांसेस बेहद ही कम है, अगर खेलती है आपके सामने स्टैट्स मौजूद है, इसके अनुसार आप चाहो तो बैक करके चल सकते हो। अब आइए हम बात करते हैं अपनी फैंटेसी टीम को लेकर। ध्यान रखिएगा टॉस के बाद, प्लेइंग 11 आने के बाद, एग्जैक्ट पिच रिपोर्ट आने के बाद, स्पेशली इस मैच में कुछ ना कुछ मेरे टीम में जरूर फेरबदल होगा, जिसको लेके मैं आपको अपने टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना है, चले जाने इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में, वहां पे जाने के बाद सबसे टॉप कमेंट में आपको देखने को मिलेगा मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक, उसके ऊपर क्लिक करके सभी भाई को टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन करके रख लेनी है। और मुझे पता है आप लोग लाइक करने में जम के कंजूसी दिखा रहे हो, अभी देखिए जाके 800 लाइक भी कंप्लीट नहीं हुए, तो भाई आपको यहाँ पे अपना दरिया दिल दिखानी है और हमारी जो लाइक टारगेट है सिर्फ 1500 का, उसको अचीव करवा देनी है, ठीक है। अब आइए फैंटेसी टीम देखते हैं, विकेट के पीछे मैंने जोन्स को लिया है, आप यहाँ पे अगर देखते हो न्यूजीलैंड वुमेन बैट फर्स्ट, फिर से ग्रीन को लेना रिस्की होगा, देखा जाएगा, मैं तो लूंगा। बैटिंग में नाइट, बीमोंट, बूचर, ऑलराउंडर से नेटाली सीवियर, ब्रेंट, सॉफी डिवेंट, अमिलिया कर और मैंने लिया सीडिन को। बॉलिंग से एक्लिस्टन, सारा ग्लेन और एल बेल को मैंने जगह दी है। कैप्टनसी की बार मैंने यहाँ पे अभी के लिए सौंपे हैं एक्लिस्टन को, विसी मैंने दिए सीडिन को। इनके अलावा मेरी जो फर्स्ट प्रेफरेंस होंगी वो होंगी सारा ग्लेन, दूसरी अमिलिया कर, तीसरी नेट सीवियर ब्रंट, चौथी सॉफी डिवाइन और रिस्क टीकर पांचवें में जो है वो टैमी बीमोंट को भी बीसी देके जा सकते हो। कैप्टन तो भैया मैं बोलूंगा एक्लिस्टन के साथ ही स्टिक करना। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, इंजॉय कीजिए, अच्छा खासा विन कीजिए और समझदारी से मिनी जीएल जीएल जरूर ट्राई कीजिए, स्पेशली इस मैच में, जैसे जैसे मैंने बात वीडियो के बीच में बताएं उसको फॉलो करते हुए। धन्यवाद।